हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ रिलायंस की। सेल्फ रिलायंस इज द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भर होना, अपना काम खुद से करना। एवरीवन हु हैज बीन सेंट ऑन दिस अर्थ हैज बीन ब्लेस्ड इन देयर ओन वे। They together make this earth a beautiful place. Some can sing well, others are good at sports, some are intellectuals, and some are good comedians. तो यहाँ पे जो आए हैं हमारे भूमि पर जो भी एक एक इंसान, सब इस भूमि को एक बहुत सुंदर जगह बना। कोई अच्छा गा सकता है, कोई खेल कूद भी अच्छा है, कोई अपने दिमागी तौर से अच्छा है, और कोई अच्छी कॉमेडी करता है। तो ये सब मिलके एक भूमि को एक अच्छी जगह बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम सेल्फ रिलायंट हो। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो अपना काम हम खुद करना सीख जाते हैं। सो एवरीवन लर्न्स द आर्ट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आप अपने जो काम है उसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को खत्म करते हैं। सो आप लर्न करते हैं हाउ टू टेक ओनरशिप ऑफ द टास्क असाइन एंड अकम्प्लिश द टास्क। एंड जो आत्मनिर्भर होता है, जो अपने आप काम करता है, उसको कभी किसी की निगरानी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो द इंडिविजुअल हु हैज द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली need not be supervised for the task completion. So importance of the ability to work independently. देख लेते हैं इसकी importance क्या है। सबसे पहले तो greater learning, आप ज्यादा सीखते हैं। Individuals feel more empowered and responsible. तो आप आत्मनिर्भर के साथ साथ अपने आप को बहुत जिम्मेदार भी महसूस करते हैं। It provides flexibility to choose and define working hours and working mechanisms. तो आप अपनी सहूलियत से टाइम और अपने घंटों का और किस तरह से आप काम करना चाहें अपनी सहूलियत से कर सकते हो। Failure and success of the task assigned are accounted by individuals. तो जो आपका काम है उसमें आप सफल हो या असफल हो, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है और आप खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। Individuals become assets to organizations, groups, and nations at large. तो जो भी ऐसे आत्मनिर्भर लोग होते हैं, वो companies की, groups की, या अपने जो देश है, उसके लिए संपत्ति बन जाते हैं। और साथ ही में creativity and satisfaction होता है आपके अंदर। आप खुश होते हैं ऐसे काम करके और आपकी creativity और आपकी जो संतुष्टि है वो सब होती है। तो ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हाउ डू वी एनहांस द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, हमें जानने की जरूरत है कि हम कौन है। वी शुड हैव कॉन्शियस नॉलेज ऑफ आवर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर। तो आपका अंदर क्या भावनाएं आती हैं, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्षमताएं हैं, आप अंदर से कैसे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर वे फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं, आप कैसे काम करना चाहते हैं, और आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीक पॉइंट्स, अपनी शक्तियाँ और अपनी जो आपकी कहते हैं जो आपके वीक पॉइंट्स हैं या जिन पे आप अपने आप को कम महसूस करते हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे तो आप सक्सेसफुल होते हैं, आप सब जगह सफलता पाते हैं जब आप अपनी शक्तियों पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तरीका सेल्फ मोटिवेशन। Self-motivated individuals have an inner urge to do something, achieve their goals without any external pressure, lure for award or appreciation. तो
आप जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से एक फीलिंग आती है, अंदर से एक मन करता है कुछ करने का, और वो भी करना ऐसा कि अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, बिना किसी के धक्के मारे हुए, बिना किसी के दबाव के, अंदर से अपने मर्जी से आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। और ये एक ऐसा स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए, तब में होता तो अपना काम खुद ही करता है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन आपको गाइड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वो आगे जाके आपको कैसे हेल्प करें, आपके अंदर है, आप जाके टीवी देखें कि अपने एग्जाम के लिए पढ़ो, तो आप सोचेंगे एग्जाम के लिए अगर मैं पढ़ूं तो आगे जाके अच्छा कॉलेज मिलेगा, या आगे जाके मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी टीवी देखूं तो मेरे कितना टाइम वेस्ट होता है, अभी थोड़ी देर करो तो मजे आएंगे। तो आप अपने इंडिविजुअल जो है अपने आप सोचेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अभी के फीलिंग्स में देखेंगे, इससे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एक वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर रहता है, आप जानते हैं कि आपको ये करना है, ये करने से आपको ये मिलेगा, ये करने से आपको जो आपका गोल है वो नहीं है। इट टीचेस सेल्फ कंट्रोल एंड इज वेल डायरेक्टेड टुवर्ड्स रीचिंग द गोल। सेल्फ रेगुलेशन इनकल्केट्स डिसिप्लिन दैट हेल्प्स इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स इट। तो डिसिप्लिन आ जाता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये आपके सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों आपके सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट का एक पार्ट था। तो एक क्विक समरी आपके बुक में से ली गई है। हमने बात करी थी कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के कॉजेस क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं, उसके मैनेजमेंट करने के तरीके क्या हैं, और मैनेज करने के फायदे क्या हैं। और आज हमने बात करी कि सेल्फ रिलायंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं, और इंडिपेंडेंट जब हम हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। सो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इन सब से हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आपको मैं छोड़ने से पहले इस वीडियो को एक थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगी। अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग because its trust is not in the branch but in its own wings. एक चिड़िया जो पेड़ पे बैठी है वो कभी भी टहनी टूटने का डर नहीं लेके बैठती, क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अपने खुद की पंख पे है, वो जब भी कुछ हो अपनी उड़ान निकाल सकती है। तो आइए हम भी अपने आप आत्मनिर्भर बने और अपनी उड़ान में। थैंक यू फॉर वाचिंग।